नमस्कार मित्रों, आदर्श डेयरी फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि ब्रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। सुबह का समय है और सभी गायों की मिल्किंग हो चुकी है और ये बछिया जो हमारी हमारे मेहनत से पहली बार जो तैयार की गई बछिया है, वो आज सुबह मैंने इसका टोटल मिल्क वेट किया था तो 8 किलो 150 ग्राम इसका दूध था। और ये अभी दो दांत है और ये घर की तैयार की गई बछिया है। इसकी जो मदर थी वो 20-21 लीटर दूध कर रही थी, लेकिन हम देखे हैं कि फर्स्ट टाइमर जो होती हैं वो जैसे जैसे उनका ब्यांत बढ़ता जाता है, लगभग थर्ड लैक्टेशन तक उनका दूध क्रमशः बढ़ता जाता है, हर ब्यांत में दूध बढ़ता है। और ये मेरे द्वारा तैयार की जा रही दूसरी बछिया है, ये भी तीसरा महीना इसका चल रहा है, गाभिन हुए तीसरा महीना चल रहा है या तीसरा महीना पूरा होने वाला होगा, डेट देखना पड़ेगा। तो इस तरह से दो बछिया हमने तैयार कर ली है। इसके बाद एक बछिया ये हमारी है, ये भी काफ़ी अच्छी बछिया है। इसके मदर को मैंने 60,000 में ख़रीदा था, चनिया साइट से 60,000 में आई थी। तो ये 4 महीने के बाद ये भी लगभग सीमन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक बछिया ये है, ये बायफ के सीमन की बछिया है ये बछिया, और ये बछिया दोनों लगभग सेम डेट में 1 महीना आगे पीछे सीमन लेने लायक हो जाएंगी। और इसके बाद एक ये भी बछिया है जो कि लगभग 8 महीने की हो चुकी है। इसके मदर का मिल्क रिकॉर्ड 18-19 लीटर है। तो क्रॉस ब्रीड में ये, अब मदर भी इसी क्रॉस ब्रीड में है, कोई देखेगा तो नहीं बता सकता कि ये इतना दूध करती है, लेकिन दूध देती है। मैंने कांटे पे वजन किया है उसका, 18 लीटर दूध उसका कांटे पे मैंने तोला है। तो उसकी बछिया ये है, फिर ये है ब्रूट वाली बछिया, और उसके बाद ये एबीएस की जर्सी। तो इन लोगों का ये स्थिति है कि ये लगभग 10-12 दिन का अंतर है दोनों के एज में, तो फिर साथ में ये दोनों बछिया तैयार हो जाती हैं। तो मेरी घर की बछिया लगभग 3 इधर 1 4 5 6 7 बछिया हमारे घर की हो जाती हैं। तो 7 गाय ऐसे तैयार हो जाएंगी। जब ये 7 गाय तैयार हो जाएंगी तो हमें गाय खरीदने की कोई दिक्कत ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे हर साल 2-3 बछिया तैयार होती रहेंगी। तो अगर हमें सेल करना है तो सेल करेंगे, रखना है तो रखेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गाय के लिए। ये देखिए, ये ब्रूट की मदर है, ये भी फर्स्ट लैक्टिशियन में है। इसका 17 लीटर दूध 16 लीटर कर रही है, ये बहुत अच्छी है ये भी। तो ब्रीडिंग पे तो काम करना ही पड़ेगा। ये जो मेल काफ देख रहे हैं आप, हैमर का, ये इस बछिया की बच्चा, ये भी फर्स्ट लैक्टिशियन में है। और अभी सुबह का समय है, सारी मिल्किंग हो गई हैं, तो हो सकता है कि अर्डर आप लोगों को समझ में ना आए। तो इस तरह से थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य रख के हम काम करेंगे डेयरी फार्मिंग में, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। और कोई 10 गाय लाता है एक साथ, 8 गाय लाता है, 9 गाय लाता है, 5 गाय लाता है, अच्छी बात है, लाइए आप लोग। लेकिन जहाँ तक
कछुए और खरगोश की कहानी आप लोग अच्छी तरह से सुने होंगे। कछुए की जो चाल होती है वो धीरे धीरे होती है और वो मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो खरगोश की चाल होती है वो जाते जाते बीच रास्ते में रुक जाता है। बहुत से डेयरी फार्मर है जो कि लोन का सहारा लेके डेयरी फार्मिंग करते हैं और बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। हमने देखा है अपने जीवन काल में, हमने देखा है कि एक यूपी गवर्नमेंट में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय कामधेनु योजना चला था, मिनी कामधेनु योजना। तो उसमें क्या था कि 25 गाय, 50 गाय, 100 गाय इस तरह से करके ज़िले में कुछ लोगों को लोनिंग का काम हुआ था। आज स्थिति ये है कि उसमें हमने देखा कि अगर 20 फार्म उस समय खुले होंगे तो उस समय जितने भी फार्म खुले थे उसमें से अगर 25 फार्म खुले होंगे तो एक या दो फार्म बस अब तक से चल रहे हैं, बाकी सारे फ्लॉप हो गए। क्योंकि उस समय टारगेट था कि आपको 25 गाय खरीदनी है। 25 गाय एक साथ लाते हैं, 4 महीने 6 महीने तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं ठीक है दूध है हमारे पास, प्रॉफिट समझ में आएगी। लेकिन जब वो गाय धीरे धीरे ड्राई होना शुरू होती है, दूध कम होना शुरू होता है, तो उस समय हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे रूल हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चर्चाएँ होती रहेंगी कैसे डेयरी फार्मिंग करना है और कैसे डेयरी फार्मिंग को सक्सेस करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके वीडियो को ना देखें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नमस्कार।